दोस्त, यह एक छोटी सी कहानी जो आपको कोशिश करने पर मजबूर कर देगी। एक बार की बात है, एक गांव था जहां पर लोग बहुत ही सुख और शांति से रहा करते थे। एक दिन उस गांव में किसी कारण से आग लग जाती है। आग भयानक थी और पल पल ही बढ़ती जा रही थी। सारे गांव में हाहाकार मच गया और आग की वजह से सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। सभी लोग डरे हुए थे और किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आग बुझा सके, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब यह आग नहीं बुझ सकता और वह सब जंगल की तरफ भाग रहे थे। यह सब एक चिड़िया पेड़ पर बैठकर देख रही थी। फिर पता नहीं उस चिड़िया को क्या सूझा कि वह अपनी चोट से पानी लाकर आग पर डालने लगी। फिर वह वैसे ही करती, चोट में पानी लाती और आग पर डालती। वह उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। तभी एक भागते हुए लड़के की नज़र उस चिड़िया पर पड़ी। फिर वह लड़का थोड़ी देर रुककर उस चिड़िया को देखने लगा। फिर सारे गांव वालों की नज़र उस चिड़िए पर पड़ी। वह सब यह देखकर हैरान हो गए कि इतनी सी चिड़िया चोट से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश कर रही है और हम सब अपना ही घर छोड़कर भाग रहे हैं। गांव वालों को उस चिड़िया को देखकर जोश आ गया और वह सब एक साथ मिलकर आग को बुझाने लगे। यह सब होता हुआ एक कौवा ऊपर से देख रहा था। कौवे ने चिड़िया से कहा, तू यह क्या कर रही है? तेरे पानी डालने से यह आग नहीं बुझने वाला। चिड़िया ने कौवे से कहा, मुझे पता है मेरे पानी डालने से यह आग नहीं बुझेगी और मेरे पानी डालने से कुछ होगा या नहीं होगा यह भी मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी इस आग के बारे में चर्चा या जिक्र होगा तो उसमें मेरा नाम कोशिश करने वाले में ही आ जाएगा। कि चिड़िया ने भी उस आग को बुझाने की कोशिश की थी। चिड़िया ने कौवे को फिर से कहा कि मैं प्रयास करने वाले में से हूँ, तमाशा देखने वालों में से नहीं। दोस्त, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि आप क्या कर सकते हो। ज़्यादातर बड़े काम उन लोग ने ही किया है जो यह नहीं सोचा कि यह मैं कर सकता हूँ या नहीं, बल्कि उन्होंने कोशिश की, एक्शन लिया और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया। चाहे वो भगत सिंह हो या सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने एक्शन लिया और वह करके दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कुछ लोग तमाशा देखते रह गए और कुछ लोग इतिहास रच डाला। दोस्त, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।